तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मैं अपना मकई का खेत। यहाँ पे फिलहाल मैं अभी बिहार में हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा मकई का खेत। कल का बारिश हुआ है क्योंकि बहुत दिनों से बिहार में बारिश नहीं हो रहा था, तो कल का बारिश हुआ है इसके कारण मकई एकदम पूरा हरा भरा हो गया है। तो मतलब दो दिन पहले ऐसा लग रहा था कि मकई हो नहीं पाएगा, लेकिन अभी मकई हो जाएगा क्योंकि कल का बारिश हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा यहाँ पे चार पेड़ लगाया हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 मेरा आम का पेड़ है और एक लीची का पेड़ है और एक पे जो है लीची का पेड़ है। और ये आप देखिए मेरा अमरूद का पेड़ है, देखो अमरूद फरा है क्या, दाना। और ये देखिए ये अमरूद, मतलब अभी ये क्या होता है ना, अमरूद फरता है तो जो उसका पहला फर जो होता है ठीक है वो खराब हो जाता है। यहाँ पे देखिए दो अमरूद खराब हो गया, अरे वाह ये तो पक गया। देखिए इतना छोटा पेड़ है और इतना मीठा लग रहा है मुझे दूसरे का। और ये मेरा आम का पेड़ है, इस बार खूब फरा था दोनों। देखिए ये भी हम लोग का ही है, अमरूद का बगीचा यहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक सब हम लोग का ही है। फिर से ये भी खेत हम लोग का ही है, मतलब मेरे चाचा लोगों का। यहाँ पे सच्ची बहुत अच्छे से होती है। एक और यहाँ पे हम लोग का कुछ दिन बाद थान उथान बनेगा क्योंकि वहाँ से वो रोड गया है, मेन रोड पे जाके मिलता है। आपको मैं अपना घर का भी टूर कराऊंगा क्योंकि घर में मेरा प्लास्टर का काम चल रहा है। आइए आपको दिखाता हूँ बैंगन, मेरे घर बैंगन कितनी भी पकती है। बहुत ज़्यादा खेती होती है हम लोग के घर में, बड़े पापा में बहुत ज़्यादा खेती करते हैं। देखिए बैंगन खराब हुआ पूरा पत्तियाँ। आइए मैं दूसरा खेत में आपको लेके चलता हूँ। मकई रुका, कल का बारिश हुआ ना इसी कारण कम मकई पूरा, और इसमें खादर डलाएगा यूरिया, इसे यूरिया बोलते हैं, वाइट कलर का होता है तो आप लोग जानते ही होंगे। ये देखिए घेवड़ा है, ये है अभी कुछ दिन बाद, मतलब बरसात का ही मौसम है, इस बार बारिश नहीं हुआ है। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है कि ज़्यादा बारिश भी होगा तो मकई नहीं हो पाएगा। अगला महीना बस बाकी है बरसात होने का, दो महीना तो निकल गया। ठीक है यहाँ पे आपको दिखा
कि ये सब बगीचा है आम का, मतलब ये हम लोग का नहीं है लेकिन ये तो पता हम लोग के घर में ही है, बड़े पापा मतलब ये सब लगाए हुए हैं, बाकी ये हम लोग का नहीं, ये किसी और का है, उसको मतलब रेंट दिया जाता है, ये सब रेंट दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हो पूरा भिंडी लगा हुआ है, भिंडी है, और अभी आपको दिखाते हैं भिंडी है, और यहाँ पे धान का खेती हुआ, और ये है हम लोग का एक मतलब वो बोलते हैं मचान, जहाँ पे मतलब मेरे बड़े पापा दिन भर यहीं पर रहते हैं, ये देख सकते पीते हैं मतलब उनका यहाँ पे अड्डा है रहने का, और यहाँ पे लगा होगा हम लोग का पंपी से, ये देखिए यहाँ से चारों बगल पानी जाता है इस पंपी सेट से, जब बारिश नहीं होता है तो सारा जितना लोग धान दिखाई दे रहा है सब पंपी सेट के पानी से ही ये सब बोया है यहाँ पे। ये तो मतलब इसको ये हम लोग जहाँ पे हैं इसको हम लोग पोखरा बोलते हैं, क्योंकि उधर बहुत बड़ा पोखरा है इसलिए इसका नाम पोखरा पर पड़ा है। यहाँ पे अभी पानी आने से पूरा पानी निकल जाता है बाहर, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे धान की खेती हुई है, ये सब लोग धान लगाए हुए हैं अपना अपना, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है जब ये पूरा थोड़ा धान बड़ा बड़ा हो जाता है, और ये भिंडी बड़ा बड़ा हो जाएगा, मकई बड़ा बड़ा हो जाएगा, पूरा मस्त लगेगा। सोना मतलब उसको सोना पर बोलते हैं, अब पता नहीं क्यों सोना पर बोलते हैं, मतलब मैं हम लोग जब बचपन में थे तो लोग इसको सोना पर बोलते थे, तो हम लोग को ऐसा लगता था कि वहाँ पे सोना निकलता होगा इसलिए लोग सोना को सोना बोलते हैं। वहाँ पे सब उधर ऊपर मतलब वहाँ पे ऊंचा है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मकई का मकई होता है, क्योंकि उधर पानी वानी नहीं लग पाता है जिसके कारण मकई का धान उन का खेती नहीं होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मकई का खेती होता है। अभी मेरे बड़े पापा उधर खातर दे के आ ही रहे हैं, देख सकते हैं आप। खातर उधर दे के आ रहे हैं, चलिए मैं आपको ना पोखरा दिखाता हूँ। पोखरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का परम बाबा का गाछी, और यहाँ पे रहते हैं कुछ लोग, और ये है मतलब यहाँ पे मंटू की गाय बैठाती है, रही आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये स्कूल है, यहाँ पर अभी स्कूल पूरा बना नहीं है, बस छोटा सा सिर्फ किचन बना है और बाथरूम, और इसी में सब बच्चे लोग पढ़ते हैं। और ये है तो ये देखिए, ये है पोखरा जो कि यहाँ पे मतलब मछली डलाती है, तो ये मतलब सबका है, यहाँ पे सबको यहाँ से मछली ले जाके खाता है। चलिए हम लोग का जो पोखरा अपना है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ हम लोग का जो पोखरा है वो। यहाँ पे भी पंपी सेट लगा है, मोटर वोटर सब यहाँ पे लगा है, हमेशा पानी गिरते रहता है उसमें। ये देखिए वहाँ पे हम लोग का मोटर लगा हुआ है, दिख रहा होगा, और मोटर से ही पानी जा रहा है। ये भी फिर हम लोग के चाचा लोग का है, और यहाँ पे बड़े पापा पोखर खुलवाए हैं, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। यहाँ पे देखिए मोटर से पानी चल रहा है पोखर में, तो मच्छी तो दिखने नहीं मिलेगी लेकिन यहाँ पे पानी चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी मछली है आई होगी,
क्योंकि पानी कम हो गया है ना, तो इसलिए इसमें पानी रहा है। क्योंकि बरसात का मौसम है तो थोड़े दिन में बारिश होगा तो ये पूरा भर जाएगा। बट थोड़ा मछली को प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए ये पानी चलाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत डेंजर रास्ता है इधर। यहाँ पे मछली को खाने के लिए केला डलाया गया है, डेली दाना भी डलाता है, केला डलाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा खेत, पानी के कारण पूरा खेत कट गया है। यहाँ से पानी आ रहा था तो इसको काट के बंद कर रहे हैं लोग। इधर इधर में बड़ा वाला पोखरा है, उसके बाद ये छोटा वाला पोखरा है। कल यहाँ पे क्या हुआ था, पानी कम हो गया था ना, तो लगभग 10 केजी मछली यहाँ पे मर गई थी। इसका भी वीडियो मैं आपको डालूंगा। देखिए ये देखिए, अपने कल पानी कम हुआ था जिसके वजह से मछली मर गई थी 10 केजी। तो सावन वन था इसलिए हम लोग निकाल के इसको फेंकना पड़ा। कुछ तो छूट भी गई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। तो ये है हम लोग का, मतलब ये मेरा एक बगल का खेत है, जो अभी और है उधर बगीचा है मेरा उधर बहुत बड़ा सा, तो उधर भी आपको ले चल के घुमाएंगे कभी। अभी बस इतना ही, आप लोग देखिए अगला वीडियो में आपको वो सब भी घुमाएंगे। ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते ही रहेगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। इतनी महंगी गलती हो गई, सीख जाएंगे भाई साहब, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसा कैसा सीख जाओगे, क्या करें फिर? गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। अरे हम भी खानदानी गरीब हैं, वो तो गलती से अमीर हो गए थे हम लोग, फिर वापस गरीब हो गए। तुम सिखाओ इनको गरीबी। हाँ, मैं चलता हूँ।